गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्रीराम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अंडाशय या ओवरी। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का कॉमन टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं अंडाशय या ओवरी। ओवरी होता क्या है? अंडाशय कहते हैं हिंदी में, और ये फीमेल्स का जनन अंग है। जनन अंग कौन से होते हैं? जो गैमेट युग्मकों का निर्माण करते हैं, प्लस ये दूसरा काम भी करते हैं हार्मोन्स का सिक्रीशन। तो इसी वजह से इसको अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी गिना जाता है। तो देखते हैं ओवरी पाई कहाँ जाती है। शरीर के अंदर केवल फीमेल्स में पाई जाती है, मेल्स में ये एब्सेंट होती है। तो ये रही यहीं पर ओवरी। संख्या में दो होती हैं, पेयरिंग में होती हैं, और ये किडनी के पीछे पाई जाती हैं। शरीर में किडनीज भी दो होती हैं, तो प्रत्येक किडनी के पीछे एक एक ओवरी पाई जाती है। देखने में अंडाकार होती हैं और उदर गुहा में वृक्कों के पीछे पाई जाती है। प्रत्येक अंडाशय मीजोवेरियम नामक मिस्टर्नी द्वारा उदर गुहा की भित्ति से लटका रहता है। अंडाशय ठोस होता है और प्रत्येक अंडाशय एक सघन तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है, और इस ऊतक को बोलते हैं स्ट्रोमा। अंडाशय के बाहर का आवरण पेरिटोनियम का आवरण, उसके अंदर जनन एपिथीलियम और उसके नीचे कोलेजन युक्त संयोजी ऊतक होता है, जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। ये देख लीजिए संरचना ओवरी की, सिंपल स्ट्रक्चर। तो ये ओवरी है। ओवरी में ओवरी कहाँ पाई जाती है? ये रही ओवरी, दिख रही है ना, डबल पेयरिंग में एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब ओवरी के ऊपर ये जो ट्यूब पाई जाती है, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये रहा नाम इसका, फेलोपियन ट्यूब। फिर क्या है, जो ओवरी है फेलोपियन ट्यूब, उसके ऊपर से कवरिंग होती है, वो किस में खुलती है आगे? यूट्रस में। यूट्रस होता है गर्भाशय, तो ये रहा यूट्रस। नेक्स्ट आ जाता है यूट्रस का जो ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं सर्वाइक्स। तो ये हो गया भाग सर्वाइक्स का। तो ये हो गई ओवरी की कॉमन स्ट्रक्चर, सामान्य स्ट्रक्चर, बाहर से देखने पर हमें ऐसी दिखाई देती है। अब आ जाती है इसकी हिस्टोलॉजी, ये इम्पॉर्टेंट है। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है आंतरिक संरचना, यानी कि इसकी टीएस कह सकते हैं हम, जो इसका इंटरनल सेक्शन होता है वो। तो ओवरी का क्या काम है? अंडाणुओं का निर्माण करना। अंडाणु क्या चीज़ होती हैं? गैमेट होते हैं फीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर शुक्राणु की फॉर्मेशन कौन करता था? वृषण करता था। उसी तरह से फीमेल्स के अंदर अंडाणु की फॉर्मेशन कौन करेगा? ओवरी। तो देखिए ये डायग्राम है, सिंपल सा है, इन्होंने डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। देखिए ये डायग्राम के अंदर ओवम बनना शुरू होता है। ये देखो, ये आपको एक डायग्राम के अंदर येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये रही बीच में बिल्कुल डॉट सा, ये है प्राइमरी ओवम। प्राइमरी ओवम बनना शुरू होगा यहाँ से। तो ये देखो, पहले उसे प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल्स वगैरह बनते हैं, फिर उसमें से प्राइमरी ओवम बनना शुरू हो जाता है। प्राइमरी ओवम से फिर डेवलपिंग फॉलिकल्स, फॉलिकल्स होती हैं पुट्टिका, यानी कि उसके बाहर की तरफ इस तरह से ये पुट्टिका बनने लग गई, और अंदर की तरफ डिम्ब, डिम्ब हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ओवम भी बोलते हैं, तो वो बनना शुरू हो गया। फिर क्या है कि ये देखो, थर्ड स्टेज में ये थोड़ा छोटा था, इसमें थोड़ा और बड़ा हो गया, है ना, ये संरचना बड़ी होगी ना फॉलिकल्स की। फिर थर्ड में इससे भी बड़ा हो गया। फिर इस स्टेज में जब वो मैच्योर हो जाएगी फॉलिकल, तो वो इस तरह से बड़ी बन जाती है, और उसके अंदर सेकेंडरी ओवम बन गया। तो प्राइमरी ओवम यहाँ पे बनता था, ये रहा प्राइमरी ओवम, और यहाँ पर आके सेकेंडरी ओवम बन गया। तो सेकेंडरी ओवम की फॉलिकल मैच्योर हो गई,
फिर क्या होता है कि जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो वो फॉलिकल फट जाती है, ये देखो रैप्चर्ड फॉलिकल, तो बाहर वाली फॉलिकल फट गई और स्पर्म क्या हो गया, सॉरी ओवम, स्पर्म तो मेल्स में होता है और जो ओवम है वो इस तरह से फ्री हो गया, मुक्त हो गया। और ये जो बाहर वाली फॉलिकल्स थी उससे क्या बन जाती है, अर्ली कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम इस तरह से बन गई और फिर उससे कार्पस एल्बी कैंस। तो ये सारा साइकिल चलता रहता है और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास, अंडाणु का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही हैं संरचना, ये ब्लड वेसल्स हैं, तो ये ओवरी के अंदर पाई जाती है। मेनली ओवरी इस तरह की दिखाई देती थी अपने पर, इससे पीछे वाले डायग्राम में देखा था, और ये जो इसका ये सेक्शन है इसको ये काट के बड़ा करके दिखाया गया है, उसका इंटरनली दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो डायग्राम से समझोगे तो इजी रहेगा, वैसे सिंपल थ्योरी में इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो टफ है। ठीक है, ये होगी संरचना। अब करते हैं ओवरी के हार्मोन्स, तो ओवरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। पहला आता है एस्ट्रोजन, नेक्स्ट प्रोजेस्ट्रोन, तीसरा रिलैक्सिन और लास्ट में एंड्रोजन। सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोजन के बारे में। तो एस्ट्रोजन ग्रेफियन फॉलिकल्स, ग्रेफियन पुट्टिका की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवनावस्था से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु, फीमेल्स में इसकी आयु होती है 45 ईयर्स, ऑलमोस्ट 45, आगे पीछे भी हो सकता है, उस टाइम ये स्रावित होते हैं। कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन कार्पस ल्यूटियम से भी स्रावित होते हैं। कार्पस ल्यूटियम क्या चीज़ थी, ओवम के बाहर वाली, जो फॉलिकल्स में से ओवम बाहर निकल जाता है तो बची हुई संरचना क्या थी, कार्पस ल्यूटियम। निषेचन के बाद प्लेसेंटा से भी एस्ट्रोजन स्रावित होते हैं, ये स्टीरॉयड हार्मोन है और प्राकृतिक रूप से दो महत्वपूर्ण एस्ट्रोजन पाए जाते हैं, पहला है एस्ट्रेडियोल और दूसरा एस्ट्रोन। दोनों में से एस्ट्रेडियोल अधिक महत्वपूर्ण है, तो एस्ट्रोजन के फिर से आगे दो भाग उसमें बता दिए, दो भाग कर दिए। नेक्स्ट करते हैं प्रोजेस्ट्रोन, तो प्रोजेस्ट्रोन दूसरा फीमेल हार्मोन है, ये भी स्टीरॉयड हार्मोन है और इसमें कार्बन की संख्या 21 होती है। तो प्रोजेस्ट्रोन का संश्लेषण और स्रावण पित्तक पिंड या फिर कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है, वही कार्पस ल्यूटियम, परंतु गर्भावस्था में प्लेसेंटा भी प्रोजेस्ट्रोन एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा भी स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि में एड्रिनल कॉर्टेक्स पाया जाता है तो उसके द्वारा भी इसका स्रवण किया जाता है, किसका, प्रोजेस्ट्रोन का। थर्ड हार्मोन आ जाता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन एक एस्टीरॉयड हार्मोन है जो कि पानी में घुलनशील है, यह प्रोटीन से बना हार्मोन है जो गर्भावस्था में अंडाशय, प्लेसेंटा और गर्भाशय द्वारा स्रावित होता है, अंडाशय ओवरी, प्लेसेंटा और गर्भाशय यूट्रस द्वारा स्रावित होता है, यह अधिकांश स्तनधारियों में गर्भावस्था में ही स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भावस्था की समाप्ति पर श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को फैलाकर जनन नाल को चौड़ा करता है और शिशु जन्म को सुगम बनाता है। इस हार्मोन की मात्रा रुधिर प्लाज्मा में अधिकतम गर्भावस्था के अंतिम समय पर ही पाई जाती है और शिशु के जन्म के बाद एक दिन में ही यह विलुप्त हो जाता है। तो इसका एक ही फंक्शन होता है, क्या, जब गर्भावस्था होती है तो डिलीवरी के टाइम ये सिक्रीट होता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। फिर आता है अंडाशय एंड्रोजन, तो अंडाशय में एस्ट्रोजन के संश्लेषण में टेस्टोस्टेरोन एक पूर्ववर्ती के रूप में बनता है,
इसलिए यह माना जाता है कि अंडाशय भी एंड्रोजन का स्रवण करती है। क्यों? टेस्टोस्टेरोन पूर्ववर्ती के रूप में बनेगा, उसी से बाद में किसका निर्माण होता है, दूसरे फीमेल्स हार्मोन का। तो इसी वजह से ये माना जाता है कि फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन भी बनता है। यह काफ़ी कम मात्रा में स्रावित होता है और मादा में इसका कोई खास प्रभाव या महत्व नहीं है, तो ये नेगलेक्ट ही रहता है, तो इसका कोई काम नहीं है। ये हो गए चारों हार्मोन। अब करते हैं हम फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के क्या काम है, एस्ट्रोजन क्या काम करता है? सबसे पहले ये यूट्रस पर क्या काम करता है। यूट्रस होता है गर्भाशय, तो एस्ट्रोजन गर्भाशय की पेशी स्तर, जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, उसमें वृद्धि करता है। गर्भाशय अंतस्तर जो एंडोमेट्रियम होता है उसके उत्तकीय विभेदन को प्रेरित करता है, और जो गर्भाशय की भित्तियां होती है उसको मोटी और अति सहनीय बनाता है। ये काम हो गए इसके यूट्रस से संबंधित। नेक्स्ट वेजाइना। एस्ट्रोजन के प्रभाव में वेजाइना की घनीय उपकला स्तरित उपकला में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि जो घनीय उपकला है किसमें चेंज होगी, स्तरीय, और योनि उपकला का शल्की भवन कॉर्निफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट फेलोपियन ट्यूब, डिम्बवाहिनी। तो एस्ट्रोजन के प्रभाव में डिम्बवाहिनी की ग्रंथिल तथा रोमक कोशिकाओं में वृद्धि होती है। नेक्स्ट मेमोरी ग्लैंड्स। तो एस्ट्रोजन दुग्ध जनन के लिए आवश्यक स्तन ग्रंथियों के शारीरिक योग निर्माण के लिए आवश्यक है। इस हार्मोन के प्रभाव में विशेषतः स्तन ग्रंथियों की वाहिनियों की लंबाई और इनकी शाखाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वसा के निक्षेपण में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट हीट और सेक्सुअल रिसेप्टिविटी, कामोताप या लैंगिक अभिग्रहणता। तो एस्ट्रस चक्कर दर्शाने वाले स्तनधारियों में कामोन्माद की प्रारंभिक अवस्था को प्रेरित कर उसे उसकी चरम सीमा तक बढ़ाने में एस्ट्रोजन सहायक होता है। तो कई मैमल्स ऐसे होती हैं जिनमें एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है, तो उसके अंदर ये काम करता है, क्या, हीट स्टेज जो होती है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट अदर सेकेंडरी करेक्टर्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो स्तन ग्रंथियों के विकसित होने से उड़ोजों में परिवर्तन हो जाता है, आवाज़ में मधुरता और चेहरे पर स्निग्धता आ जाती है, यानी कि चेहरा क्या हो जाता है, ग्लो करने लग जाता है, मुलायम हो जाता है। पेल्विस भाग चौड़ा हो जाता है और नितंब उनका भी साइज बढ़ जाता है। इसके अलावा प्यूबिक बालों का विकास हो जाता है। तो ये करैक्टर्स किसके कारण होते हैं, एस्ट्रोजन के कारण ही होते हैं। अब आ जाता है फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्ट्रोन। तो प्रोजेस्ट्रोन क्या काम करता है, इफेक्ट ऑन यूट्रस। सबसे पहले वो गर्भाशय पर क्या प्रभाव डालता है। तो प्रोजेस्ट्रोन का सबसे प्रमुख कार्य गर्भाशय के अंतस्तर के स्रावी परिवर्तनों में वृद्धि करना। तो गर्भाशय का जो अंतस्तर था एंडोमेट्रियम, उसके अंदर जो स्रावी परिवर्तन होते हैं उसमें वृद्धि करता है। इसके प्रभाव में गर्भाशय म्यूकोसा मोटी और अति सहनीय बनी रहती है। यह गर्भाशय की कोशिकाओं में वसा व ग्लाइकोजन के संचय को बढ़ाता है। संचय होता है उनकी मात्रा को बढ़ाना। यह गर्भाशय अंतस्तर से म्यूकस के स्राव को भी प्रेरित करता है, म्यूकस यानी श्लेष्मा का स्राव। इस प्रकार प्रोजेस्ट्रोन गर्भाशय को निषेचित अंडों के रोपण के लिए तैयार करता है। रोपण इम्प्लांटेशन का क्या मतलब होता है कि जब एग का फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसको फीमेल के अंदर इम्प्लांट करना। इम्प्लांट यानी कि उनको एक जगह पर फिक्स करना, जैसे जिससे क्या हो कि आगे की आगे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो सके, तो उसको रोपण कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड्स।
तो प्रोजेस्टेरोन स्तन ग्रंथियों की पालिकाओं, लोब्यूल्स और कुपिकाओं एलिवियोली के परिवर्तन को प्रेरित करता है और कुपिका कोशिकाओं का प्रतिरोध भवन होता है। प्रतिरोध भवन का मतलब होता है उनकी संख्या बढ़ाना, तो ये काम करता है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑन ओविडक्ट। तो प्रोजेस्टेरोन डिंब वाहिनी या ओविडक्ट की उपकला को म्यूकस स्रवण के लिए प्रेरित करता है। यह स्राव रोपण से पूर्व निषेचित अंडों के पोषण में सहायता करता है। तो जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनके भोजन का काम करता है कौन, जो सिक्रीशन निकलता है म्यूकस का। तो गर्भावस्था में यह हार्मोन अंडाशय में नई पुटिकाओं को बनने से रोकता है। तो जब एक बार गर्भावस्था स्टार्ट हो गई तो अंडाशय के अंदर नई फॉलिकल्स नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि नए ओवम की फॉर्मेशन नहीं की जाती, फॉलिकल्स नहीं बनेगी तो एग क्या होगा, वो मैच्योर नहीं होता। तो इसी वजह से ये रोकता है किसको, फॉलिकल्स को बनने को। रिलैक्सिन था हार्मोन, उसका हमने देख लिया था गर्भावस्था के दौरान सिक्रीट होता है और उसका क्या काम है, जनन नाल का साइज बढ़ाना, ताकि जो एम्ब्रियो बना है अंदर बॉडी के अंदर उसको इजीली बॉडी से बाहर किया जा सके। नेक्स्ट, एंड्रोजन था, उसके बारे में भी हमने देख लिया था। एंड्रोजन क्या करता है, मेल्स के अंदर तो सिक्रीट होता है मेनली, लेकिन फीमेल्स के अंदर बहुत कम मात्रा में निकलता है और उसका कोई खास फंक्शन नहीं है, कोई खास रोल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ओवरी या अंडाशय यहीं पर ख़त्म होता है। तो ओवरी को हमने डीपली स्टडी कर लिया, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। और इसी के साथ हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां यहीं पर कंप्लीट हो गई हैं, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां थी हमारे पास। तो एक बार उनका जस्ट हम याद कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां की। तो सबसे पहले हमने की थी पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो सभी ग्रंथियों के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। नेक्स्ट की थी हमने एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड को अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। फिर की थी हमने थायराइड ग्रंथि, जिसमें से थायरॉक्सिन निकलता था। फिर पैराथायराइड ग्रंथि, जिसमें से पैराथॉर्मोन निकलता था। उसके बाद हमने की थी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। उसमें से क्या होता था कि वो पैनक्रियास के अंदर पाई जाती हैं छोटी छोटे बंडल्स के रूप में, और वो भी हार्मोन्स निकालती हैं। फिर आ जाती है हमने मेनली दो और ग्रंथियां की, टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस क्या है, मेल का जनन अंग है, प्लस क्या करता है, फीमेल्स के अंदर भी ओवरी जनन अंग है। तो इनका क्या काम है, एक तो ये गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, प्लस इनसे कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, इसी वजह से इसको जनन अंग प्लस अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो ये दोनों तरह के काम करता है। तो इसी के साथ हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों की यूनिट ख़त्म होती है। नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।